एक बार फिर बात करेंगे मौसम की। स्वात की तारीख में पहली बार मैराथन रेस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सैयाह और मकामी शहरी भी हिस्सा ले रहे हैं। बर्फबारी की वजह से मौसम शदीद सर्द है। बात करते हैं शीरीन ज़ादा से। शीरीन ज़ादा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और सर्दी की शिद्दत और मैराथन रेस का अहवाल क्या है? हाँ जी, इस वक्त मैं मलम जबा में मौजूद हूँ और स्वात की तारीख में पहली दफ़ा स्नो मैराथन रेस का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त मैं ट्रैक पर मौजूद हूँ और अगर आप देखें तो पीछे मेरे ये बच्चे जो है ना उस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। ये तीन कैटेगरी है, इसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर का रास्ता जो है ना इसमें तय किया जाता है। बर्फबारी भी खूब हो रही है और इसमें न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी इसमें शरीक है, मुकामी शहरियों की भी बड़ी तादाद है। तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है ना वो शहरी सयाह, नौजवान, बच्चे, बड़े, वो इसमें शरीक है और इसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। तो काफ़ी मतलब मलम जबा में जश्न का समा है। मौसम इंतहाई शानदार है सयाहों के लिए और रास्ते भी खुले हैं और मैराथन रेस भी हो रहे हैं। तो सयाह न सिर्फ मतलब बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज हो रहे हैं बल्कि वो मैराथन रेस में भी खुद हिस्सा ले रहे हैं और बर्फबारी से भी लुत्फ़अंदोज हो रहे हैं और खूबसूरत नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शीनी ज़ादा। मलिका कोसार मरी और गिरदोनवाह में हल्की बर्फबारी।